गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेरी गुड एंड ऑल्सो एंजॉइंग योर ऑनलाइन स्टडीज. सो डियर स्टूडेंट, वंस अगैन आई एम हियर विद योर न्यू वीडियो एंड विद न्यू चैप्टर. सो एवरी वन, फर्स्टली लुक एट हियर, दिस इज योर चैप्टर 11 इन इंग्लिश रीडर. ओके, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इट आई हैड लाइक टू मीट एन एलियन. ओके, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल पोएम. सो ऑल स्टूडेंट, watch video carefully and read carefully. After that, write all question in your English notes. Class, firstly take out your English reader book and open to chapter 11. Let's start. Now, dear student, firstly read this chapter name. What is the name of this chapter? I had like to meet an alien. I had like to meet an alien. Beta, मैंने एक एलियन को देखा था. ओके, और उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है. इट मीन्स दैट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आई, यहाँ पे पोएट कहते हैं मुझे एलियन पसंद है और मैं एक एलियन से मिला. ओके, तो फिर यहाँ पे मैं कौन है? यहाँ पे पोएट हैं. तो पोएट यहाँ पर ब्यूटीफुल पोएम में एलियन के बारे में बताते हैं कि एलियन कैसा है और वो किस प्रकार से बिहेव करता है. ठीक है बच्चों, ये एक इमेजिनरी पोएम है, तो इसको आप ध्यान से पहले रीड करेंगे और समझेंगे. और यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, ये एक्टिविटी वर्क है बच्चों. इस एक्टिविटी वर्क में आपको मार्स के बारे में बताना है. मार्स क्या है? आपका एक प्लैनेट है जिसे रेड प्लैनेट कहते हैं. यहाँ पर कुछ क्विज क्वेश्चंस दिए गए हैं. फर्स्ट, जैसे मार्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द, मतलब मार्स का नेम किसके नेम पर पड़ा. ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए और इसको 5 क्वेश्चंस अपने आप से बुक में ही सॉल्व करिए. ओके स्टूडेंट्स, ये आपका एक्टिविटी वर्क है, तो इसे एज अ एक्टिविटी वर्क आप बुक में ही सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? चलिए अब हम पोएम को रीड करते हैं. डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल पोएम. ऑल स्टूडेंट, फर्स्टली मार्क डिफिकल्ट वर्ड एंड आफ्टर दैट राइट इन योर नोट्स. सबसे पहले बच्चों आपको डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है और उसके बाद से आपको कॉपी में इसको लिखना है और याद करना है. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया ना? आप इस तरीके से सारे वर्ड जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं आप उनको राइट कर सकते हैं अपनी कॉपी में और लर्न करेंगे स्पेलिंग. बच्चों यहाँ पे वर्ड्स की लिमिट नहीं है, आपको जितने वर्ड डिफ़िकल्ट लगते हैं आप उतने वर्ड ही राइट करिए और लर्न करिए. चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम को. फर्स्ट लाइन आप क्या देखेंगे? आई हैड लाइक टू मीट एन एलियन, ये वुड नॉट दैट बी नीड. आई एम श्योर देयर इज़ नॉट अनदर क्रिएचर आई वुड रैदर मीट. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि मैं एक एलियन से मिला था. यस, वुड नॉट दैट बी नीड. यहाँ पे नीट का मतलब क्या है? कि यस, मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छा था. नीट मिस हो जाएगा, वेरी नाइस. ओके, यस, मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छा था. आई एम श्योर देयर इज़ नॉट एन अदर क्रिएचर आई वुड रैदर मीट. कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी कन्फर्म हूँ, मैं श्योर हूँ कि मैंने ऐसा क्रिएचर्स, क्रिएचर मीन्स क्या होता है बच्चों? क्रिएचर्स मीन्स होता है जीव, प्राणी. ठीक है, मैंने ऐसा क्रिएचर पहले कभी नहीं देखा. ओके, तो आप इसको राइम्स में रीड करिए. फर्स्टली I had like to meet an alien. Ye would not that to be need. I am sure there is not another creature I would rather meet. Okay. Next dekhte hain. I would not care if he was big or medium or tiny or if his skin was rough and tough or super smooth and shiny. Bachcho, ab yahan pe kehte hain poet कि मैं देखता हूँ कि वो बहुत ही बड़ा क्रिएचर्स है. ओके, ना वो मीडियम में है ना वो छोटा है. इट मीन्स दैट वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि ना तो वो बहुत बड़ा क्रिएचर्स है, मतलब आई वुड नॉट केयर इफ़ ही वॉज बिग, मतलब मैं नहीं देखूँगा कि वो बड़ा क्रिएचर्स है कि मीडियम है कि टिनी है. ओके, और इफ़ हिज स्किन वॉज रफ एंड टफ, कि उसका स्किन रफ है कि टफ है और कि सुपर स्मूथ है कि शाइनिंग है, मतलब मैं इसे नहीं देखूंगा. आई हैड लाइक हिम
हिज हेड वर बाल्ड. बाल्ड मीन्स बेटा क्या होता है, बाल्ड मीन्स होता है गंजा, विदाउट हेयर. ओके. और कवर्ड अप विथ हेयर. आई हैड लाइक्ड हिम इफ हिज फेस वर ब्राउन, ट्रायंगुलर और स्क्वायर. मतलब यहाँ पे वो तारीफ करते हैं कि मैं एक एलियन से मिला था. ओके. ना तो वो बहुत सुंदर था, ठीक है, ना तो वो अगली था, ना मुझे फ़र्क पड़ता है वो बड़ा था कि छोटा था. ओके. ना मीडियम साइज़ का था या फिर टीनी. ना उसकी स्किन रफ थी, ना टफ थी, ना सुपर स्मूथ थी, ना शाइनी थी. और आई हैड लाइक हिम इफ हिज हेड वर बाल्ड. ओके. और कवर्ड अप विथ हेयर. यहाँ पे कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. यहाँ पे एलियन के बारे में कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बाल्ड बाल जो इट मीन्स दैट हेयर जो है वो है कि या वो बाल्ड है. ओके. आई हैड लाइक टू हिम हिज फेस वेयर राउंड, ट्रैंगुलर और स्क्वायर. कि उसके फेस राउंड है, ट्रैंगुलर है और स्क्वायर है. ओके. तो बच्चों आपको एट लाइन पोयम आपको कॉपी में राइट करना है और डिफिकल्ट वर्ड फाइंड करके राइट करना है. और इस पिक्चर को आपको पोयम के साथ ड्रॉ करनी है. दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल पिक्चर एंड दिस इज़ अ स्पेस ऑफ एलियन एंड इट इज़ अ पिक्चर ऑफ एलियन. ओके. तो आपको एलियन और इसका स्पेस की पिक्चर बनानी है और 8 लाइन पोएम आज के वर्क पे शामिल करना है. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर टुडे वर्क. ऑल स्टूडेंट एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर.